असम मेघालय सीमावर्ती अंचल में अवैध लकड़ी के तस्कर सक्रिय। खिरनी वन विभाग ने कुंदू से लदा एक ट्रक को किया जब्त। पश्चिम कार्बियन जिले के 73 आमरिंग संरक्षित वनांचल जो मेघालय राज्य के सीमावर्ती अंचल तक फैला हुआ है, वहां अवैध लकड़ी तस्कर विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। इस प्रकार की जो घटना है प्राय प्रकाश में आती रहती है, जिसका जीता जागता उदाहरण खिरनी वन विभाग कार्यालय में खड़े दर्जनों जब्त वाहन और लाखों रुपयों के पड़े कुंदे है। शुक्रवार को खिरनी वन विभाग के वन कर्मियों ने अवैध कुंदों से लदा एक वाहन जब्त करने में सफलता हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष सूचना के आधार पर खिरनी वन विभाग के रेंजर चंद्र सिंह टीसु के दिशा निर्देश के बाद वन अधिकारी सुशील सरकार की अगुवाई में वन कर्मियों का एक विशेष पेट्रोलिंग दल ने झिरखिंडिंग व मोक्यूलम के दूर दराज क्षेत्र रंगखेलाम से अवैध कुंदों से लदा एक शक्तिमान ट्रक जब्त करने में सफल हुए। हालांकि लकड़ी तस्कर भागने में सफल हो गए। ज्ञात हो कि अवैध लकड़ी तस्कर मेघालय से सटे पश्चिम कार्बियन जिले में प्रवेश कर कीमती पेड़ों को काटकर ट्रक या अन्य वाहनों से मेघालय राज्य में ले जाते रहते हैं। वहीं जिले का 73 आमरिंग संरक्षित वनांचल खिरनी वन कार्यालय से काफी दूर तक फैला हुआ है और उक्त कार्यालय में वन कर्मियों वाहनों की संख्या तथा अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप में न होने के कारण समय अनुसार लकड़ी तस्करों पर नकेल लगाना एक कठिन कार्य साबित हो रहा है। हालांकि उक्त वन कार्यालय के रेंजर चंद्र सिंह टीसु और वन कर्मी कठिन मेहनत और साहस के बल पर समय समय पर तस्करों को पकड़ने में सफल जरूर हो जाते हैं। अगर कार्बियोलॉन्ग ऑटोमस काउंसिल और संबंधित विभाग की ओर से सुविधा में बढ़ोतरी पर उचित ध्यान दिया जाता है तो उक्त संरक्षित वनांचल व पर्यावरण को तस्करों से पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।